super super excited hai. Of course first time as in like season 1 of Ruhaniyat is coming up and excited to hamara hona banta hai. Hum pure ek saal se sari team mehnat kar rahe hain, so we are desperately waiting and ummeed kar rahe hain ki of course sabko pasand aayegi. Baki excitement aap bhi batai. I am very very excited because matlab you know टेलीविज़न काफ़ी टाइम से किया है, काफ़ी किरदार किए, बट ये किरदार बहुत अलग है. इसमें बहुत लेयर्स हैं जो मैंने खुद नहीं सोचा था कि यू नो टू गेट सच अ रोल यू नो ऑफर्ड एंड देन यू चूज़ इट. और फिर आपको जैसे जैसे आप यू नो उसे प्ले भी कर रहे होते हो किरदार को, तब कई सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होती है कि इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ये लेयर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इतने कैरेक्टर में डेप्थ है सबीर के. अंकुश सर जो हैं, हर हस्बैंड, ही इज़ द डायरेक्टर, उनका नाम भी है यहाँ पर. और आई थिंक उनके हेल्प के साथ विद ग्लेन एंड अंकुश बोथ ऑफ देम हम लोगों ने इसे बहुत दिल से बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया और पैशनेटली बनाया. सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रूहानियत में टाइटल में तो है ही पैशन, लेकिन उसे बनाते वक्त भी सब लोग बहुत पैशनेट थे. जब कोई सीन आता था तो सब बैठते थे साथ में डिस्कस करना कि इसे कैसे करना है. ये नहीं कि यू नो टाइम की कमी है या कुछ, एवरीथिंग वाज यू नो गिवन टाइम. एंड जैसे एक होता है ना, पेड़ पौधे को आप अच्छे से पानी देते हो, खाद डालते हो, तब वो एकदम ब्यूटीफुल बन जाता है, वैसे ही रूहानियत की कहानी है. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और MX प्लेयर पर फ्री आएगा, यू कैन वॉच इट MX प्लेयर फ्री. और जिनके पास MX प्लेयर नहीं है, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री. सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज टू वॉच रूहानियत. और यस, किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी टीम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है वो, जब उसकी जो कहानी है वो बाहर आएगी, जब लोग उसे देखेंगे. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और रेकमेंड करें दूसरे लोगों को कि अच्छी कहानी है और हमें देखनी चाहिए. ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिफरेंट है कि यू नो इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट, 52 एपिसोड्स आने वाले हैं. वो ऑलरेडी हैरान है. 52 मतलब सीजंस हैं बेसिकली, हम 4 सीजंस हैं, 4 पार्ट्स में इसको लेकर आए, तो वैसे सीजंस ही हैं ये. आप लोगों को बहुत मौका मिलेगा किरदारों से जुड़ने का, क्योंकि इतने एपिसोड्स हैं तो आपको जर्नी अच्छे से, ये सबकी कहानी है, तो वो 2-4 एपिसोड में आई नहीं हमारे, हमको 52 दिखाने पड़ रहे हैं. सो यस, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के लिए भी एक डिफरेंट, फर्स्ट टाइम ये फॉर्मेट आ रहा है, सो ऑफ कोर्स वी रियली एक्साइटेड एंड लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. ये भारी पड़ गया था मुझे कुछ दिन पहले, फॉरएवर इज अ लाइफ टैग सबको दिया था डालने के लिए, मैंने डाला तो मुझे सारे दोस्तों के फोन आ गए और एवरीबॉडी कॉल, रेड द डीएम, या सब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारी और नेहा के बीच में, सब कुछ ठीक है. एंड माय फैमिली मेंबर्स स्टार्टेड कॉलिंग मी बिकॉज़ वो ऐसे ही था, जस्ट वन फॉरएवर इज अ लाइफ और हार्ट ब्रेक. सो देन आई हैड टू एक्सप्लेन टू एवरीबॉडी कि नहीं ये शो है और यू नो उसकी प्रमोशन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है बिकॉज शो रिलीज होने वाला है. लाइक अच्छा थैंक गॉड बट फॉरएवर इज़ अ लाइव, सवीर को लगता है कि फॉरएवर इज़ अ लाइव बिकॉज उसके लाइफ में उसे पहले लगता था कि फॉरएवर इज़ नॉट अ लाइव, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, कुछ किस्से ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से ही स्टार्ट बिलीविंग कि फॉरएवर इज़ अ लाइव. और इट इज़ स्कैरी फॉर एनीबडी, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है जिसको ये लगता है कि फॉर एवर इज अलाइव, बिकॉज एक्चुअली अर्जुन को पूछो तो मुझे लगता है कि फॉर एवर इज नॉट, या फॉर एवर इज ट्रू. आई थिंक जस्ट द फॉर्म्स कीप चेंजिंग ऑफ एनीथिंग, या रिलेशन और एनी, एक्चुअली रिलेशनशिप्स इज अ वेरी ट्रिकी प्लेस टू बी. कोई भी रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो अब वो फॉर एवर इज अ लाई इज समथिंग विच आई थिंक इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग होगा, बट हम तीनों जो यहाँ खड़े हैं फॉर्म्स और सिचुएशंस विच ये ही आप सब कॉलेज के बच्चों से जाके पूछेंगे तो जरूर बोलते हैं फॉर एवर इज नॉट अ लाई. अरे कुछ लोग कॉलेज में इतने धोखे खा चुके होते हैं बट दिस टैग इज बेसिकली फॉर सवीर, ही फील्स दैट फॉर एवर इज अ लाई एंड प्रिशा believe that forever is not a lie and priya true. believes ki forever is true, ye hame sabit karna hai, hum bana kar rahenge usse true, ye sochne forever sochna kyu hai
forever chal raha hai jaise chal raha hai let it be let it be shoot ki baat to kahan pe shoot hua hai kya kuch kehna chahoge kya kuch vlogs ya fun aaj hi hum baat kar rahe the ki hum wapas se outdoors kab ja rahe hain humne itni jagah shoot kiya hai na bahut jagah shoot hua hai ye shot in some very beautiful locations Pune mein महाबलेश्वर वॉज अ गुड एक्सपीरियंस लोनावला महाबलेश्वर बेसिकली लॉट ऑफ आउटडोर्स ब्यूटीफुल लोकेशन जो पहले हमने शायद कहीं ऐसे दूर से बस देखे थे बट नेवर शॉट देयर एंड देन व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वॉज शूटिंग देयर और बहुत यूनिट हमारी कमाल की थी लाइक आई सेड द डायरेक्टर्स द कैप्टन ऑफ आवर शिप्स the captains of a ship were very sweet and nice yeah. and they're just good such good human beings. हम लोग देव आनंद से बोलते हैं कि वो इतने accepting है ना हर चीज को लेके हम कुछ अपना हाँ और जब आपके directors इतने कमाल के होते हैं तो आपकी journey easy हो जाती है और किरदार को सही तरीके से perform करना आपके लिए आसान हो जाता है so I think credit goes to Glenn and Ankush sir वो हमें free भी छोड़ते थे लेकिन ऊपर एक डंडा भी लेकर बिल्कुल MX player की तरह free yeah so what about OTT platform what about it for me it is the first time I'll doing something for an OTT platform and wo bhi MX ke liye so I'm very excited because MX ki reach sabse zyada hai mujhe jo pata chala hai and yes it's the second most downloaded app after YouTube ke baad to it's gonna reach to so many people so I'm very excited about it I'm waiting to see the audience response also because TV pe to itna pyar mila hai itne logo ne accept kiya hai itna appreciate kiya hai to ab OTT pe kaisa response mujhe milne wala I'm very excited to see aap kahan par jahan aap smile karti raho aap jahan par bhi jaoge log aapko pyar se accept hi karenge thank you but I'm really waiting I think OTT has given a lot of actors you know to explore themselves creatively yeah. because TV pe SNP issues hote hain kai sare मतलब चीज़ें आप जो एक किरदार कर सकता है नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी हैव इन प्लेस व्हिच इज़ फेयर इनफ OTT पे यू नो स्क्रिप्ट आपके पास पहले से आई होती है यू कैन प्रिपेयर फॉर योर कैरेक्टर आप यू नो जो यूजुअली इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो नहीं होते सो सीन्स भी वैसे लिखे जाते हैं जहाँ पर यू नो एक किरदार को जस्टिफाई करने के लिए या एक सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या यू नो डिफरेंट सीन्स हमें करने मिलते हैं जो हम यूजुअली टीवी पे नहीं कर पाते ऑल्सो बिकॉज वी हैव अ बाउंड वी नो वेदर स्टोरी इज एंडिंग क्योंकि कहानी का अंत हमें पता है तो हम अपने किरदार को और निखार सकते हैं टीवी पे हमें अंत पता नहीं होता तो फिर हम लोग वी जस्ट गो विद द फ्लो बट हियर वी कैन एक्चुअली वर्क एंड मेक इट बेटर So yeah, these are the pros of working on OTT. Of course, this show में आपको मैं ये भी बता दूँ, there's nothing unnecessary. Yeah. फालतू की, you know, कभी-कभी हमें देख के ये भी लगता है कुछ shows में कि यार जबरदस्ती बहुत ज़्यादा foul language use हो रहा है, या there's too much sex shown and ये ऐसी कहानी ही नहीं है. So people can watch it and enjoy it. और unnecessarily आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि कुछ डाला आप सबको क्या देख रहे हो यार वी कीप वॉचिंग शोज यार जो आते रहते हैं कल मैंने एक मूवी देखी आई सॉ दिस मूवी कॉल एडम्स प्रोजेक्ट और मैंने और एक और इट्स अबाउट अ डॉग रूबी व्हाट्स द नेम ऑफ द शो कल लास्ट नाइट ओनली आई सॉ इट सो देयर सो मच कंटेंट दैट कम्स ऑन यू नो सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यू हैव अ वैरायटी ऑफ चॉइस मैंने मेरे दोस्त का एक शो आया था MX प्लेयर पर ही मस्त कांड वो भी इट डिड वेरी वेल ऑन मत्स्य कांड या मत्स्य कांड और वो दोस्त का है इसलिए मस्त निकल गया मस्त कांड मस्त कांड एंड आई थिंक रवि के यू नो इतने सारे लुक्स थे उसमें एंड अच्छा था वो सो आई नाउ रूहानियत इज कमिंग एंड देर सो मेनी डिफरेंट अदर शोज ऑल्सो कमिंग ऑन MX प्लेयर आई थिंक एज अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो देयर रीच इज़ वंडरफुल
और एक एक्टर को और क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका शो देखें एंड जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. वैसे तुम देख क्या रही हो आजकल? मैंने अभी फेम गेम कंप्लीट किया. हाउ इवन आई सॉ ब्यूटीफुल माधुरी दीक्षित जी हैज डन सच अ वंडरफुल जॉब एंड स्टोरी सो नाइस जस्ट कंप्लीट. ऑलराइट एंड कंटेंट प्रोड्यूसर जी बताते हो किस तरीके से बात चली है शो की अगर बात चली तो आप लोग भी किसी ने कश्मीर फाइल्स देखी? नहीं नहीं अभी तक नहीं देखा है बट इट इज एक ऐसी कहानी है जो सबको देखनी चाहिए. इट इज अ फैक्ट अबाउट समथिंग दैट इज हैपेंड इन आर कंट्री. और मैं न्यूज़ बहुत देखता हूँ तो मैंने बहुत डिबेट्स देखे हैं और हमने भी देखे हैं आपके साथ. सो मैंने बहुत डिबेट्स देखे हैं यू नो कश्मीरी पंडित्स को लेकर और कश्मीर को लेकर. देयर सो मेनी डिबेट्स दैट हैपन ऑल द टाइम. सो आई हैव ऑलवेज वेरी इंट्रीग टू नो कि क्यों ऐसे हुआ. व्हाई वेयर दीज टू कॉन्फ्लिक्टिंग यू नो विजन्स दैट टू डिफरेंट पीपल सेट ऑफ पीपल हैव. एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू गो वॉच दिस फिल्म कश्मीर फाइल्स बिकॉज एक तो परफॉर्मेंसेज बहुत अमेजिंग होंगे. इट इज़ बिन टॉक्ड अबाउट एवरीवेयर. And it is something that has happened in our country, so everybody should know what happened. Actually, जाते हैं 23 मार्च पे ये स्ट्रीमिंग होने वाला है. So, आप लोग ऑडियंस को यही कहेंगे कि प्लीज देखिए रूहानियत ऑन MX प्लेयर फॉर फ्री. 23 मिडनाइट से ही ये स्ट्रीम होना. 22nd मिडनाइट मतलब 23 जैसे ही 23 होगा शुरू हो जाएगा. शुरू हो जाएगा. आप उसे स्ट्रीम कर सकते हैं, देख सकते हैं. एंड अच्छी कहानी है. डिफरेंट है थोड़ी. लाइक आई सेड देयर इज लव मिस्ट्री एंड ड्रामा ऑल ऑफ इट. एंड प्लीज लेट अस नो हाउ यू लाइक इट.